चाय बड़ा मस्त है और कूलर आप देख सकते हैं कितना लंबा है, मेरे मुंह के बराबर है एक्चुअली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में अभी बहुत ही स्मोगी मॉर्निंग चल रहा है और मैं हर ब्लॉग में मेरे बिल्डिंग के नीचे जाके ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और वहाँ पे लाइट बहुत ही कम है तो ब्लॉग सही से हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं आज डिसाइड किया कि आज घर से ब्लॉग को स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में रास्ते में जब सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ बैजनाथ धाम, हिमाचल प्रदेश। बट आज का शेड्यूल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बाइक पर, अभी फ़िलहाल मुझे जाना है कुरुक्षेत्र तक। कुरुक्षेत्र में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मेरा फ्रेंड। अब वहाँ से डिसाइड होना है कि हम आगे बाइक में जाएंगे कि कार पे जाएंगे। तो यहाँ से मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि अभी 5:30 बज गया है और मैं ऑलरेडी कम से कम आधा घंटा लेट हूँ। ठीक है, आधा घंटा मेकअप हो जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगभग रेडी हूँ, गाड़ी में नीचे जाके सामान पैक करना है और निकलना है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ एक्चुअली। तो जब से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था तब से कम आधा घंटा और लेट हो गया हूँ। और आज दिल्ली में पता नहीं, दूसरे दिन तो अंधेरा रहता है, आज जल्दी लाइट भी आ गया। तो यहाँ से 185 किलोमीटर मेरा कुरुक्षेत्र दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे बाइक में मैंने पेट्रोल फिल नहीं करवाया था, तो अभी पहले तो पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप आ गया, मैं बाइक में पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि मैं तो सुबह चाय पी के आया हूँ। बट इसको मैं, मेरा गलती है कि मैं रात को इसको पेट्रोल नहीं डलवाया था। भाई दिल्ली में 103.97 रुपये लगभग 104 रुपये है, हरियाणा में यहाँ से 6 रुपये यहाँ से 7-8 रुपये हरियाणा में अप्रोक्स 7-8 रुपये कम है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ओनली 2-3 लीटर का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बॉर्डर पार करूँगा मैं फुल करवा लूँगा अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया एक्चुअली। आप भी आ जाओगे, इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई दिल्ली में पेट्रोल महंगा की वजह से मुझे एक बार और रुकना पड़ेगा पेट्रोल फिलअप के लिए। अभी मैं मात्र 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया हूँ। तो यहाँ से पिपली दिखा रहा है 168 किलोमीटर 3 आवर 6 मिनट। ठीक है यार, मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मुझे 10 बजे तक ही टारगेट था कि 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत लेट होगा भी तो 10:30 तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। गेट दिस ब्यूटीफुल सनराइज़, ब्यूटीफुल। दिल्ली में और कुछ दिन बाद ये सनराइज़ दिखेगा नहीं एक्चुअली। आज तो मौसम सच में बहुत अच्छा है कि इतना अच्छा सनराइज़ हुआ है दिल्ली में। नहीं तो लास्ट 3-4 डेज से मतलब इतना ज़्यादा स्मॉग हो रहा था कि बहुत हालत ख़राब था एक्चुअली। बट आज मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ। यह दिल्ली आई एस बी टी से मैं सीधा ये करनाल वजीराबाद करनाल होके ही जाऊँगा। मैं गूगल में देखा तो गूगल में यही एक रोड दिखा रहा है, अदरवाइज एक्चुअली इस रोड पे जाऊंगा तो सिंधु बॉर्डर में जाम लग रहा है, सिंधु बॉर्डर ब्लॉक है। इसके लिए शायद 3-4 किलोमीटर का एक कट है जो गांव-गांव से निकलता है। करनाल के लिए लेफ्ट जाना है। ये पहाड़ दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है यार, कितना बड़ा हो गया है। मैं मनाली के लिए जब गया था तो ये इसका आधा था शायद, अभी तो कहाँ तक फैल गया पूरा लंबा, मतलब ये धीरे धीरे पूरा माउंटेन रेंज बना रहा है।
उधर से ना करनाल के लिए, सिंधु बॉर्डर में गया ही नहीं, उससे पहले ही गूगल ने कट करवा दिया था। मुझे पता नहीं कौन सा गांव वगैरह के अंदर से लेके आया है, तो जस्ट ये सिंधु बॉर्डर आगे क्रॉस कर दिया हूँ मैं, और ये अभी तक ये लगा हुआ है यहाँ पे बैरिकेटिंग, और अभी ये सीधा जाएगा करनाल। भाई 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 भाई, ये दिल्ली का पेट्रोल पंप है कि हरियाणा का है? अगर हरियाणा का है तो बहुत बढ़िया है। हरियाणा का है ना ये, हरियाणा में 95.73 और दिल्ली में आपको दिखाई था। बस अब टेंशन फ्री है, अब मस्त निकलते हैं यहाँ से सीधा पीपली। देखते हैं बीच में अगर चाय के लिए रुकेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं तो कम से कम 280-285 किलोमीटर कंटिन्यू राइड हो जाएगा। तो भाई मैं मुरथल पहुँच गया हूँ, और मुरथल में ये मन्नत मुरथल, और मैं सोच रहा हूँ कि मुरथल में ही चाय पिया जाए। छोटा सा अपडेट, मैं अभी हूँ मुरथल में, और ये है 60 माइल्स हवा। उधर मैं रुका नहीं, मन्नत या फिर आपका सुखदेव में नहीं रुका, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ थोड़ा खाली दिखा, और मुझे सिर्फ चाय पीना है। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है, सिर्फ चाय पीना है। कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट का देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। अभी बज रहा है 8:20, तो बस चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मौसम अच्छा हो गया है, एकदम खुला हुआ मौसम है। कुरुक्षेत्र से आगे जाने का जो प्लान था वो पक्का हो गया है, तो मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र तक बाइक पे जाऊँगा, और उसके बाद मैं कार पे ही जाऊँगा। बाइक राइड कैंसिल हो गया तो हो गया, क्योंकि मैं अभी मसूरी से घूम गया था, वो भी मैं कार पे किया था, और मेरा मन तो था बाइक में जाने का, कुछ इशू की वजह से बाइक राइड कैंसिल कर रहा हूँ, बट आगे इसको कार पे कंटिन्यू करेंगे। बट ब्लॉग आपको पूरा मिलेगा, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मुरथल नहीं है, ये गन्नौर है। मुरथल में पार करके आ गया हूँ। चाय बड़ा मस्त है, और कूलर आप देख सकते हैं कितना लंबा है, मेरे मुंह के बराबर है। एक्चुअली इतना दूर बाइक चला के आया हूँ, सुबह सुबह तो ठंड भी लग गया था, तो चाय का ज़रूरत था। चलो भाई, उतरी मैंने बांधा ही नहीं यार। चलो भाई, चाय वाय सब डन, ब्रेकफास्ट का आगे देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी 100 किलोमीटर राइड करके जाना है, और उसके बाद आराम से कार पे बैठ के जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रास्ता खींच रहा हूँ, गूगल में दिखा रहा है 1 घंटा 38 मिनट, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी पहुँचने का। भाई ये पानीपत है, और पानीपत में घुसते ही मुझे थोड़ा सा जाम मिला था, बट उसके बाद पानीपत के ऊपर से ये पूरा फ्लाईओवर बना हुआ है। मैं फ्लाईओवर के बीच में आके कैमरा ऑन किया हूँ, ये बहुत लंबा फ्लाईओवर है एक्चुअली, पूरा पानीपत को क्रॉस करवा रहा है ये। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कुरुक्षेत्र पहुँच गया हूँ, और ये है आगे बस स्टैंड पीपली, मतलब पीपली से मुझे कुरुक्षेत्र की तरफ थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर और अंदर जाना है, जहाँ मुझे बाइक रखना है, और वहाँ से फिर हम आगे कार पे कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे मेरा जो दोस्त है वो पीपली पे ही मिलेंगे। अच्छा खींचा हूँ मैं, अभी तक 10 भी नहीं बजा है। तो इधर लेफ्ट साइड को कुरुक्षेत्र के लिए जा रहा है, और राइट साइड को यमुनानगर के लिए। जो मेरा दोस्त है वो यमुनानगर में रहता है। द्वार कुरुक्षेत्र में, और मेरा जो फ्रेंड है वो आएगा इस साइड से, यमुनानगर के साइड से। बस 5 मिनट लगेगा उसको आने में, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं 185 किलोमीटर से दूर से आ गया, बंदा अभी तक नहीं आया, ये साफ लोग है भाई। तो
वो आता है तो मेरा इधर हमें 5-6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे बाइक रखेंगे, उसी का घर है, फिर हम कार से आगे निकलेंगे। निकलना हमें इधर से ही है बट हमें अभी अंदर जाना पड़ेगा। चलो भाई अभी मुझे इसके पीछे पीछे ही जाना है। आज संडे है और आज है 14th November, तो संडे है इसीलिए कोई टेंशन नहीं, हमें आराम से पहुंचेंगे शाम तक, 6-7 बजे तक आराम से पहुंच ही जाएंगे। फिर कुरुक्षेत्र में आज फर्स्ट टाइम आया हूं तो इसलिए मुझे रास्ते वगैरह का यहां पे कोई आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स हम वहां से निकल के थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, कार का शीशा वगैरह क्लीन करते हैं। कार से मेरा आउटसाइड का व्यू अच्छा नहीं आ पा रहा है। यहाँ से कांगड़ा करीब करीब 300 किलोमीटर है। आज हमारा बैजनाथ का नहीं हो पाएगा, शायद बैजनाथ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो कांगड़ा तक ही जाएंगे आज, बाकी निकलते हैं रास्ते में। बट आज बाइक राइड का मेरा मन था क्योंकि 500 किलोमीटर का जर्नी था तो बाइक राइड करते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कुछ इशूज़ की वजह से मैं बाइक राइड कैंसिल कर दिया। बाइक मैंने कुरुक्षेत्र में रख दिया हूँ, अब हम कार में आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी ऐसे ही रैंडम रास्ते में खड़े हैं और अभी हम आए हैं लंड्रोन खड़र होके, खड़र जस्ट पार किया हूँ हमने और अभी रास्ते में खड़े हैं। हम घर का खाना लाए हैं तो हम घर का खाना खाने के लिए रुके हैं क्योंकि अभी बज गया है, अभी 1:30 बज रहा है और अभी भी 200 किलोमीटर बचा हुआ है, कम से कम 4 घंटा तो लगेगा। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर है, मेन रोड के ऊपर ही हम खड़े हैं, कहीं पर साइड होने का जगह ही नहीं मिल पा रहा है और जो जगह मिल रहा है वहाँ पर धूप है तो धूप में खड़े होकर खा नहीं सकते, तो घर का खाना खाते हैं फिर चलते हैं। ये इस मामले में देख सरदार पक्के हैं भाई। तो हम अभी आनंदपुर साहिब क्रॉस करके रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। पंजाब अभी क्रॉस नहीं किए हैं, पंजाब क्रॉस करने में अभी भी, मतलब हिमाचल एंट्री करने में अभी भी 20 किलोमीटर है। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में हम रुके नहीं क्योंकि वहाँ पे रोड के एक साइड पे काम चल रहा था और वहाँ पे उतना खड़े होने का, एक्चुअली मेन रोड के ऊपर खड़े होने का जगह नहीं था, अगर हमें जाना होता तो अंदर जाना पड़ता, इसलिए कोई अभी मैं आज नहीं कर पाया वहाँ पर। तो बस चाय के लिए रुके हैं, थोड़ा नींद आ रहा था क्योंकि सुबह 4 बजे उठे हैं भैया तो नींद आ रहा था, तो चाय पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अभी काफ़ी टाइम लगेगा हमें, जैसे हिमाचल टच करेंगे, हिमाचल में एंट्री करेंगे तो पहाड़ी का नज़ारा दिखेगा, तब आपको दिखाएंगे। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी हम हैं चिंतपूर्णी, जस्ट चिंतपूर्णी माता मंदिर के 5-6 किलोमीटर पहले ही है और यहाँ पे थोड़ा रुके थे पहाड़ी में, व्यू अच्छा दिख रहा है यहाँ पे तो इसलिए रुके, 2-4 फोटो लिए। अभी 4:40 हो गया है और लगभग सनसेट होने ही वाला है, तो सोच रहे हैं कि चिंतपूर्णी माता मंदिर दर्शन कर ले और फिर कांगड़ा के लिए निकलते हैं। बाकी यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, इधर यही फ़र्क है कि हम पूरे रोड पे जो आए हैं पूरे रोड पे ग्रीनरी है और यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी है एकदम। तो चलिए मंदिर जल्दी निकलते हैं, अगर टाइम सही लगता है तो हम मंदिर में दर्शन करेंगे और नहीं तो सीधा कांगड़ा निकल जाएंगे, आपको जैसे भी होगा बता देंगे। यही तो गलत है यही लोगों ने तो बवाल करा है। मास्क थोड़ा खोल के बोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए, कार पार्किंग में लगा दिए हैं और हाँ इसीलिए थोड़ा सा रहे, ऑलरेडी 200 मीटर पैदल चल रहे हैं और अभी और शायद 300 मीटर और आगे जाना पड़ेगा, पार्किंग से कम
500 मीटर का आपको वॉकिंग डिस्टेंस है भाई, लग रहा है 500 मीटर से ज़्यादा ही है। मैंने तो अप्रोक्स बताया था बट अभी तक पहुँचे नहीं है। पार्किंग से यहाँ तक कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ पे अभी 1 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है, तो हम अभी लाइन पे खड़े होते हैं और फिर दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. अच्छा इतना ही था, चलो फिर तो ठीक है। तो हम 6:20 पे नहीं, हम 5:20 पे, हम 5:20 पे घुसे थे और 6:30 पे निकले हैं। हम सोच रहे आधे घंटे में हो जाएगा बट टाइम अभी 1 घंटे से भी ऊपर लग गया और बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। तो अभी सोचते हैं कहाँ होटल करते हैं, रुकते हैं कहाँ पे। पर दर्शन अच्छे से हो गया है, एकदम पास से दर्शन हुआ है। 1 किलोमीटर का जाम था, 1 किलोमीटर का लाइन था और 1 घंटे से ऊपर लग गया। अभी हम कार पार्किंग में आ गए हैं और यहाँ से अब देखते हैं। अभी तक होटल हमने किए नहीं है, ऑनलाइन होटल करना था बट अभी सोच रहे हैं कि कहाँ पर होटल करें, क्योंकि यहाँ से कांगड़ा अभी मिनिमम से मिनिमम भी 50 किलोमीटर है। कांगड़ा टच भी करेंगे तो भी 50 किलोमीटर लग जाएगा। तो अभी देखते हैं रास्ते का कंडीशन कैसा होता है, उसी हिसाब से हम होटल बुक करके फिर रोक लेंगे। जहाँ पे भी दिक्कत होगा वहाँ पे रोक लेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया, अभी भी मंदिर में लाइन चल ही रहा है। फिर यहाँ से फटाफट निकलते हैं, फिर आपसे होटल में मिलेंगे। द नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कांगड़ा। मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गया था। वहाँ से चिंतपूर्णी माता से निकलने के बाद हम यहाँ पे कम से कम 8:30 बजे के बाद पहुँचे हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया था और पूरा दिन सुबह 4 बजे निकला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा थकान भी था, तो इसलिए मैं रात को ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड कीप ड्रीमिंग।